गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एक चैप्टर लेबर कॉस्ट, टॉपिक कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वेजेस इंक्लूडिंग ओवरटाइम प्रीमियम का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। एक कंपनी बेसिक वेज रेट 6 रुपया है, इवनिंग में ओवर टाइम करने से टाइम एंड 1/3, इसका 1/3 तो 8 रुपया हो जाएगा, और संडे या वीक एंड बोलते हैं उसको, डबल हो जाएगा 12 रुपया। तो नॉर्मल वेज रेट हो गया 6 रुपया, इवनिंग में ओवर टाइम करने से 1/3 बढ़ जाएगा 8 रुपया, वीकेंड में करने से डबल हो जाएगा 12 रुपया। ड्यूरिंग द ईयर 2,20,000 नॉर्मल किया गया, 1/3 में 20,000 किया गया और डबल टाइम में 10,000 किया गया। इससे हम लोग वेजेस निकाल लेंगे, 1 ईयर का वेजेज आ जाएगा और टाइम टेकन 2,50,000 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेट हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 जॉब है, जॉब नंबर 1, 2 एंड 3, नॉर्मल टाइम दिया हुआ है, इवनिंग ओवर टाइम दिया है, वीकेंड का ओवर टाइम दिया है। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट, निकालना है ईच जॉब का। तो ईच जॉब का लेबर कॉस्ट मैंने 1, 2, 3 तीनों का निकालना है। उसमें आपको देखना होगा कि ओवर टाइम क्यों कराया गया था, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ओवर टाइम। तो यहाँ था ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द पॉलिसी ऑफ द कंपनी ड्यू टू लेबर शॉर्टेज। कंपनी में वर्कर या लेबर कम है तो कंपनी का ये पॉलिसी है कि ओवर टाइम करवाना है। 2 नंबर में है वेयर ओवर टाइम इज वर्क स्पेशली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर रिक्वेस्ट किया है उसको जल्दी से आउटपुट चाहिए, दैट इज ऑर्डर बुक है, बिफोर टाइम नॉर्मल टाइम के पहले उसको प्रोडक्शन चाहिए, उसको डिलीवरी देना है, तो कस्टमर के रिक्वेस्ट से हम लोग ओवर टाइम कराते हैं। 3 नंबर यहाँ ऐड किया, देखो वेयर ओवर टाइम इज वर्क टू मीट द मार्केट डिमांड, मार्केट में अचानक मेरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया है, तो मार्केट में अगर डिमांड बढ़ जाता है तो मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए ओवर टाइम कराया गया। तो ये इसके हिसाब से वेजेज कैलकुलेट होगा, क्या कारण था ओवर टाइम कराने का, इसलिए वेजेस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग टोटल वेजेस कैलकुलेट करके एवरेज रेट निकालते हैं, उसके बाद एक एक रीजन के हिसाब से वर्क लेबर कॉस्ट निकालते हैं, दैट इज जॉब नंबर 1, 2, 3 का। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल वेज रेट, नॉर्मल वेज रेट ₹6 per hour, ओवर टाइम इवनिंग में तो 6 रुपया plus 1/3 of 6, दैट इज 8 रुपया। ओवर टाइम होलीडे में 6 रुपया का डबल, दैट इज 12 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, नॉर्मल वेज रेट 6 रुपया था, इवनिंग में ओवर टाइम करने से 1/3 बढ़ जाएगा 8 रुपया, और होलीडे में करने से डबल हो जाएगा, 6 का डबल 12 रुपया। ठीक है, अब टोटल वेजेज कैलकुलेट करते हैं। टोटल वेजेज नॉर्मल टाइम में काम हुआ है 2,20,000, 6 रुपया करके 13,20, ओवर टाइम इवनिंग में, ओवर टाइम इवनिंग में काम हुआ है 20,000, 8 रुपया 1,60,000, ओवर टाइम होलीडे में काम हुआ है 10,000,
12,01,20,000, 15,80,000, ये हो गया टोटल वेजेज। ठीक है, अब निकालते हैं एवरेज वेज रेट। एवरेज वेज रेट, टोटल वेजेज डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। टोटल वेजेज 15,80,000, आवर्स देख लीजिए 2,50,000। 15,80,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, 6.32 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल रेट था 6 रुपया, इवनिंग में ओवर टाइम करने से 1/3, 2 रुपया बढ़ जाएगा 8, हॉलीडे में करने से डबल हो जाएगा 12, नॉर्मल टाइम में 2,20,000 काम हुआ है 13,20, इवनिंग में ओवर टाइम 20,000 काम हुआ है 1,60, हॉलीडे एंड संडे काम हुआ है 10,000, 1,20, 13, 2, 15,80 आ गया। 15,80 को टोटल आवर्स 2,50 से डिवाइड कर दिए, 6.32 रुपया आ गया। एक बार आप इतना दूर देख लो, नॉर्मल रेट 6 रुपया, इवनिंग में 1/3 8 रुपया, वीकेंड में डबल। नॉर्मल टाइम 2,20,000 घंटा काम हुआ है, 1/3 में 20,000, डबल में ये। इससे वेजेज निकाल लिए, एवरेज रेट निकाल लिए। तीन जॉब का बताना है, जॉब नंबर 1, 2, 3 का बताना है, लेकिन ओवर टाइम क्यों हुआ था थ्रू आउट द ईयर एज द पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट। रोमन 1 को हेडिंग बनाते हैं, एक नंबर को हेडिंग बना दिए, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी ड्यू टू लेबर शॉर्टेज। ओके, वेजेज इक्वल टू आवर्स वर्कड इंटू एवरेज वेज रेट। ओके, आवर वर्ड इंटू एवरेज वेज रेट। वेजेज इक्वल टू होगा आवर्स वर्ड इंटू वेज रेट, एवरेज वेज रेट। जॉब 1 आवर्स वर्ड है 3,000 प्लस 300 प्लस 100 इंटू 6 रुपया 32 पैसा। जॉब 2 5,000 प्लस 600 प्लस 50 6 रुपया 32 पैसा। जॉब 3 4,000 1,050 300 6 रुपया 32 पैसा। ओके, तो एवरेज वेज रेट से दे देंगे, एवरेज वेज रेट 6 रुपया 32 पैसा, 21,488। ₹33,812। क्लियर है? तो सबसे पहले ओवर टाइम क्यों कराए हैं, तो ये कंपनी का पॉलिसी है कि हम लोग लेबर हमारे पास कम है, रेगुलर ओवर टाइम करना होगा। तो वेजेस कितना होगा, जिस जॉब में जितना आवर वर्क हुआ है उसका एवरेज रेट, ऊपर एवरेज रेट आया था 6 रुपया 32 पैसा, कहाँ कितना वर्क हुआ है उसका डिटेल यहाँ पे है। ये देखिए 3,400, 5,650, 5,350, यहाँ पे एवरेज रेट देती है। क्लियर? दो नंबर दे रहे हैं ओवर टाइम वर्क किया गया कस्टमर के रिक्वेस्ट पे। तो कस्टमर के रिक्वेस्ट पे जब वर्क किया जाएगा तो वेजेस कितना होगा, नॉर्मल टाइम का नॉर्मल रेट 6 रुपया करके, ओवर टाइम इवनिंग वाला तो इसका रेट होगा 8 रुपया, और हॉलीडे
इसका रेट होगा 12 रुपये। जो रेट है वो रेट अप्लाई हो जाएगा। देखिए नॉर्मल रेट है 6 रुपया, इवनिंग का 8 है, हॉलीडे का 12 है, तो यही रेट अप्लाई हो जाएगा। तो जिसके यहाँ जितना आवर्स काम था, यहाँ 3000 था तो 18000, 5000 था तो 30000, 4000 था तो 24000। तो नॉर्मल टाइम में कितना काम था आप देख लो, 3000 6 रुपया, 5000 6 रुपया, 4000 6 रुपया। इवनिंग में देखो 300, 600 और 1050, इसका रेट होगा 8 रुपया करके। तो 300 का होगा 2400, 600 का होगा 4800 और 1050 का होगा 8400। 8 रुपया का रेट है। अच्छा वीकेंड में यहां देखो 100, 50, 300, 12 रुपया का रेट है। तो 100 का 1200, 50 का 600 और 300 का 3600। अब इसको प्लस कर देना है 21600, 35400, 32 × 3 = 35, 36000। ओके, तो जब ओवर टाइम कस्टमर के रिक्वेस्ट पे कराएंगे तो जहां जितना घंटा काम होगा वहां जो रेट है वो रेट अप्लाई होगा। नॉर्मल में 6, इवनिंग में 8 और हॉलीडे में 12। अब है ओवर टाइम वर्क किया गया मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए, मेरे प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड बढ़ गया, उस डिमांड को फुलफिल करना है तो हमको ओवर टाइम कराना पड़ा। ऐसे केस में वेजेज जितना घंटा काम हुआ है उसका नॉर्मल वेज रेट से इंटू होगा। तो जॉब नंबर 1 में काम हुआ था 3000 प्लस 300 प्लस 100, इसका नॉर्मल रेट रखेंगे 6, दैट इज 3400 × 6, इसका आएगा ₹20,400। जॉब नंबर 2 में काम हुआ था 5000 प्लस 600 प्लस 50, इसका 6 रुपया करके देंगे 33900। जॉब नंबर 3 में काम हुआ था 4000 प्लस 1050 प्लस 300, इसका 6 रुपया करके देंगे 32100। ये हो गया वेजेज। ठीक है, तो ओवर टाइम के पीछे रीजन बिहाइंड ओवर टाइम क्या रीजन था उसके हिसाब से वेजेस कैलकुलेट होता है। अगर ओवर टाइम वर्कर शॉर्टेज के लिए होता है तो एवरेज रेट, अगर मार्केट डिमांड को पूरा करने के लिए ओवर टाइम किया जाता है तो नॉर्मल रेट वेजेज कंसीडर होता है, और कस्टमर डिमांड से होगा तो जैसा रेट होगा जिस टाइम का वो रेट अप्लाई होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ओवर टाइम का ये लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।